Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Abhishek, BCA, Kolhan University, Jharkhand. Solve x square y d x minus x cube plus y cube dy is equal to 0. ये एक differential equation की problem है. तो इसमें solution करने के लिए हम सबसे पहले इस term को right hand side में पहुँचा देंगे. तो बचेगा हमारे पास x square y dx इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पहुँचाने प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई. पहले तो कोशिश करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, लेकिन वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा. अगर हम डी वाई को डी एक्स की वैल्यू निकालें, यानी डी एक्स को इधर ले जाएँ, इस फैक्टर को इधर ले आएँ, तो एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स और वाई इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते. तो फिर हम चेक करते हैं कि जो डी वाई वो डी एक्स की वैल्यू है क्या होमोजीनियस फार्म में है. तो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लेकिन डिनोमिनेटर में दो टर्म है, और जब दो टर्म दो एक से ज़्यादा टर्म हो तो हमें डिग्री चेक करना होती है कि हर एक टर्म में डिग्री इक्वल है. तो देख रहे हैं इसमें भी डिग्री थ्री है, यहाँ पर भी डिग्री थ्री है, हर एक टर्म में इक्वल डिग्री है. तो ये जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस. और जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक इस इक्वेशन में एक सब्सटीट्यूशन पुट कर देते हैं. तो वो सब्सटीट्यूशन होता है y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका रोल अब v अदा करेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहेगा. तो y की जगह तो हम वी एक्स रख देंगे, लेकिन डी वाई डी एक्स क्या रखेंगे उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दें. तो लिख देंगे पुटिंग दिस, एंड उसके बाद अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी किसी भी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन नंबर वन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. तो इक्वेशन वन हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस का वी इंटू वन वी होता है राइट हैंड साइड में. एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर लिख दें, वाई की वैल्यू ये वी एक्स डाल दें वी एक्स, और डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वाई की वैल्यू है वी एक्स, उसका होल आप क्यूब है तो कर लें उसको. अब यहाँ से हम इस वी को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये वी एक्स की पावर टू और वन थ्री हो जाएगी, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस उसका होल आप क्यूब करेंगे तो वी का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, वी राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो माइनस का वी हो जाएगा. तो वी एक्स क्यूब अपान इन दोनों टर्म्स में एक्स क्यूब को जो बाहर लेंगे तो वन बचेगा, वन प्लस का वी क्यूब हो जाएगा माइनस वी, और यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा वी अपान वन प्लस वी क्यूब, माइनस वी अपान वन कर लें इसे, और इन दोनों का एलसीएम यानी वन प्लस वी क्यूब एलसीएम ले लें तो वन का इधर इंटू होगा और इसका इधर इंटू हो जाएगा वी का इंटू हो जाएगा बी में इंटू हो जाएगा वन प्लस वी क्यूब में. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डी वी ओवर डी एक्स चल ही रहा है, वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस वी का इन दोनों टर्म में इंटू होगा तो माइनस वी माइनस का बी की पावर फोर हो जाएगा अपान वन प्लस बी की पावर थ्री है, ये बी से बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास से जो बचेगा उसको हम लिख रहे हैं राइट अपने नेक्स्ट पेज पर एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर फोर अपान वन प्लस वी क्यूब को बी को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करें तो ये वन प्लस वी क्यूब अपान बी की पावर फोर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में पहुंचेगा डी एक्स अपान में एक्स हो जाएगा. अब यहाँ पर डी वी जो था वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डी वी और डी एक्स वेरिएबल सेपरेट हो गए क्योंकि वो सब्सटीट्यूशन ही हम लोगों ने ऐसा किया होता है. होमोजीनियस इक्वेशन जब पता हो जाता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स ऐसा सब्सटीट्यूशन है जो वेरिएबल को सेपरेट कर देगा. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, वन प्लस वी क्यूब अपान वी टू द पावर फोर डी वी और माइनस बाहर ले लेंगे तो वन अपान एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा. यहाँ से जब सेपरेट करेंगे तो वन अपान बी की पावर फोर और प्लस वी क्यूब अपान वी टू द पावर फोर डी वी इजिकल टू माइनस वन अपान एक्स डी एक्स होगा, और इसको जब से पावर कैंसिल हो जाएगी तो पावर
थ्री पावर यहाँ पर थी, तो थ्री कम कैंसिल होकर वन पावर बचेगी। और इस वी अब इस इंटीग्रेशन का साइन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे, यानी वन अपान वी की पावर फोर पर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एक पावर अपान में बची हुई यानी वन अपान वी का इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड में वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर वी की माइनस की फोर हो जाएगी और वन अपान वी का इंटीग्रेशन लॉग वी हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। कॉन्स्टेंट भी हम लोग जोड़ेंगे, तो कोई कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी को ऐड कर सकते हैं, किसी भी फार्म में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर जो होती है जितनी उसमें एक प्लस हो जाता है, और जितनी पावर होती है उतनी ही माइनस उतने ही अपान में आ जाता है, सेम पावर होती है। और लॉग बी इजिकल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी, सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें जोड़ना होता है। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी कांस्टेंट आती है, क्योंकि एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ पर, तो इसलिए इसका एक ही कांस्टेंट यहाँ पर आया है। अब हमें बी की वैल्यू पुट करना होगी, और इसकी पावर देख रहे हैं कि माइनस का थ्री हो गई, अपान में भी माइनस थ्री है, प्लस इन लॉग को एक्साइट कर देते हैं लॉग बी, और इसको उधर राइट हैंड साइड में से लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो प्लस का लॉग एक्स हो जाएगा। राइट में तो सी है हमारे पास, इन दोनों को मिला के एक कर देंगे लॉग का फार्मूला लगा के, तो माइनस यानी ये वन का इंटू मान सकते हैं माइनस वन अपान थ्री, और इस बी की पावर को प्लस करने के लिए अपान में ले आएंगे तो बी की पावर थ्री हो जाएगा। अब इनको मिला के लिख देंगे, यानी लॉग दोनों एक साथ लिखना चाहें तो फिर प्लस अगर होता है लॉग में तो एक बार लिखेंगे और इनका आपस में इंटू हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे जो अपनी तरफ से मानी है, यानी हमने y बराबर वी एक्स माना था, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y अपान में x हो जाएगा, x को उधर लेफ्ट में ले गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में y v की वैल्यू y अपान x होती है, उसका होल क्यूब प्लस का लॉग ऑफ यानी v की वैल्यू y अपान x है इंटू एक्स इजिकल टू सी, एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ये डबल अपान में तो x का ऊपर इंटू हो जाएगा, लेकिन उसका चूंकि होल अप क्यूब है तो x का भी क्यूब होगा, अपान में y का भी क्यूब होगा, प्लस का log log y इजिकल टू सी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। इसमें हो सकता है कि मल्टीप्लाई कर दिया हुआ अपान से हटाने के लिए थ्री वाई क्यूब से, तो ये ऐसा भी लिखा हो सकता है। वैसे यहाँ पर आप आंसर कह सकते हैं कि आंसर आ गया, और उसको दूसरे फार्म में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वाई क्यूब से, अपान में से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब मिलेगा, प्लस यहाँ आप थ्री वाई क्यूब से इंटू हो जाएगा लॉग वाई, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री वाई क्यूब से। आप इसको प्लस करना चाहें तो उधर राइट हैंड साइड में बचा दे, वैसे आंसर आ चुका है, तो हमारे पास बचेगा थ्री वाई क्यूब लॉग लॉग वाई इजिकल टू थ्री सी वाई क्यूब, और एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब। इस तरीके से इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाकरु दावाना, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।